एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज अभिषेक, वेलकम टू ओए अभी। उम्मीद है आप सब सेफ है, सुरक्षित है और अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा सफर कर रहे हैं जो आप लोगों की जिंदगी को खुशियों से सराबोर कर देता होगा, खुशियों से भर देता होगा। जैसे आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, जो नई गाड़ी है उसका नाम है इग्निस 2023 और गाड़ी ये बहुत अच्छी गाड़ी से चुनी है। और इस गाड़ी की खासियत क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आइए फटक से इस गाड़ी के वॉक अराउंड करते हैं, फीचर्स जानते हैं इस गाड़ी के और ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, इसके 5 रीजंस मैं आपको दूंगा इस वीडियो के एंड में। अगर गाड़ी के मैं फ्रंट प्रोफाइल की बात करूं तो यहां पर आपको सबसे पहले तो क्रोम फिनिश मिल जाती है गाड़ी में। ये देखिए इस तरह की यू फिनिश है, वो यहां पर सुजुकी का आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। यहां पर कुछ ये ब्लैक फिनिशिंग है। यहां पर अगर मैं गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की यहां पर बात करूं, 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको अच्छा खासा गाड़ी दे देती है। फ्रंट में यहाँ पर आपको कुछ भी फॉग लैम्प नहीं मिलते हैं क्योंकि ये जो सिग्मा बेस वेरिएंट है वो है इस गाड़ी का। तो यहाँ पर अगर आप लोग अलग से फिटिंग करवाना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर करवाने के लिए शेप गाड़ी जो सुजुकी है, जो मारुति, उन्होंने दिया हुआ है। अगर मैं गाड़ी की हेडलैम्प की बात करूँ तो आपको यहाँ पर क्रोम फिनिश के साथ हेलोजन लाइट्स मिल जाती हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कोई भी आपको DRLs नहीं दिए जाते गाड़ी का। यहाँ पर ब्लैक क्रोम फिनिश देखने को मिल जाती है, ये यहाँ पर भी ब्लैक फिनिश दी गई है गाड़ी की। आपको अगर मैं इसके टायर्स की बात करूँ तो आपको 15 इंची के टायर मिल जाते हैं यहाँ पर। सामने में दोनों टायरों में डिस्क ब्रेक है और पीछे दोनों टायरों में यहाँ पर ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाती है। और गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करूँ मैं तो काफ़ी अच्छी दिखती है। ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल तो आपको ORVMs नहीं मिलते हैं, मैनुअल एडजस्टेबल हैं, लेकिन इसके आप जो लाइट्स हैं वो ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। ऊपर रूफ रेल्स यहाँ पर नहीं है क्योंकि सिग्मा बेस वेरिएंट है, तो यहाँ पर रूफ रेल्स देखने को नहीं मिलते। हालांकि यहाँ पर एक एंटीना दिया गया है जो कि आप आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रंट में आपको यहाँ पर वाइपर्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको 2 वॉशर मिल जाते हैं जो आप विंडशील्ड अपनी क्लीन कर सकते हैं। प्रोफाइल की बात करें तो सेम है, यहाँ पर थोड़ी सी ब्लैक क्लैडिंग देखने को मिल जाती है। साइड में आपको हेलोजन के इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि बेस वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको कोई भी ORVM के अंदर इंडिकेटर्स नहीं मिलते, लेकिन अगर फिर ऊपर की तरफ जो मॉडल्स उनमें जाते हैं तो आपको ये चीज़ देखने को वहाँ पर मिल जाएगी। पीछे बात करें, हैंडल्स देखिए बहुत प्यारे हैंडल्स दिए गए हैं यहाँ पर, क्रोम फिनिश नहीं दी गई है, बॉडी मैचिंग यहाँ पर आपको हैंडल्स मिल जाते हैं। गाड़ी के अंदर चलते हैं एक बार। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको ऑटो यहाँ पर दोनों पावर विंडो मिल जाते हैं। फ्रंट के पीछे आपको पावर विंडो नहीं मिलते हैं, 2 ही पावर विंडो हैं और 1 टच यहाँ पर आपको विंडो क्लोज हो जाती है, इसका फ़ायदा मिल जाता है। यहाँ पर स्पीकर्स के लिए स्पेस दिया गया है, बॉटल रखने के लिए स्पेस यहाँ पर है। गाड़ी के अंदर आ जाते हैं एक बार। गाड़ी के अंदर अगर आपको आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह के स्टीयरिंग व्हील माउंट्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी कंट्रोल्स यहाँ पर ऑन स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलते हैं। अगर ऊपर के वेरियंट में जाएंगे तो आप लोगों को ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। 5 गियर यहाँ पर मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है आपको। यहाँ पर आपको एक एक्सेलरेटर, बीच वाला ब्रेक और साइड एक क्लच मिल जाती है यहाँ पर। यहाँ पर आपको लाइट एडजस्ट करने के लिए ऑप्शंस मिल जाते हैं। हालांकि यहाँ पर टेरेन कंट्रोल कुछ नहीं दिया गया है यहाँ पर, लेकिन ज़रूर स्लॉट्स दिए गए हैं जो आप अपने हिसाब से आगे मॉडिफाई करवा सकते हैं। AC वेंट्स मिल जाते हैं आपको काफ़ी अच्छे, और मैंने अभी हम लोग एटलीस्ट 44 डिग्री में बैठे हुए हैं एकदम खुले में, लेकिन अभी हम लोगों ने 5-7 मिनट के अंदर ही गाड़ी पूरी ठंडी कर ली थी, तो आपको AC बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर कोई भी MID गाड़ी ने नहीं, जो मारुति उन्होंने नहीं दी, हालांकि इस वेरिएंट में MID दे सकते थे ये लोग। जो इसके सेगमेंट की और गाड़ियाँ उनमें आराम से आपको MID आज के दौर में देखने को मिल जाती है। पर पता नहीं मारुति ने यहाँ पर कंजूसी क्यों की है, अभी भी ये मैनुअल आपको यहाँ पर स्पीडोमीटर दे दिया गया है। यहाँ पर AC कंट्रोल्स की बात करें, यहाँ पर तो आपको AC कंट्रोल्स और ऑटोमेटिक क्लाइमेट चेंज यहाँ पर दे दिया है। यहाँ पर आपको 15 वॉट का एक चार्जर मिल जाता है। यहाँ पर फ़ोन के रखने के लिए या फिर सामान रखने के लिए थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर आपको कोई भी हैंडरेस्ट नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको ये हैंड ब्रेक मिल जाता है। साइड सीट पर भी आपको सेम चीज़ मिल जाती है। अगर हम ग्लव बॉक्स की बात करें तो काफ़ी अच्छा इस सेगमेंट में अगर देखा जाए तो मैंने बहुत बड़ा ग्लव बॉक्स देख लिया है। इग्निस में बहुत ज़्यादा बड़ा ग्लव बॉक्स दिया गया है। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, इसके अंदर बहुत सारा सामान ऑलरेडी रखा है यहाँ पर। और अगर मैं आपको यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह के वैनिटी मिरर्स नहीं दिए गए हैं दोनों, और आपको ये 1 टच शायद नहीं है, 1 टच नहीं है, ये आपको कैबिन लाइट दे दी गई है। ज़रूर आपको इंडिकेटर के लिए जो बेसिक ऑप्शंस होते हैं वो मिल जाते हैं। ये आपका लेफ्ट, राइट, ऑफ, ये आपको लाइट कंट्रोल्स यहाँ पर मिल जाते हैं। ये हाई बीम, लो बीम के ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। इस तरफ भी अगर मैं देखूँ तो ये आपको शायद वाइपर कंट्रोल्स हैं, ये वाइपर कंट्रोल्स दिए गए हैं गाड़ी में। ये इस तरह से देखिए वाइपर्स चल गए, ये बंद हो गए,
ये ज़रूर आप लोग बाहर से फिटिंग करवा सकते हैं। आपको सिग्मा वेरिएंट में आपको बेस मॉडल में ये आपको स्क्रीन शायद नहीं मिलती है, तो ये आपको अलग से आप माउंट करवा सकते हैं। अगर मैं आपको रियर व्यू मिरर की बात करूँ तो ये कंपनी IRVM यहाँ पर आराम से दे सकती थी, पर IRVM में इन लोगों ने ज़रूर कटौती कर ली और सिर्फ एक रियर व्यू मिरर दे दिया जो कि ऑटो एडजस्टेबल नहीं है। आप ऐसे हाथ से कर सकते हैं इसे अपने हाइट के हिसाब से। तो ये छोटी छोटी कटौती ज़रूर कंपनी में करिए, शायद इसीलिए 7 लाख के अंदर एक गाड़ी बनाई है जो कि बजट फ्रेंडली है। ठीक है, आपके अगर मैं बोनेट की बात करूँ तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी आपको फिनिशिंग मिल जाती है, ब्लैक और काफ़ी हार्ड प्लास्टिक है। पहले क्या होता था कि सॉफ्ट प्लास्टिक आती थी, पिचक भी जाती थी कभी कभी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक दी गई है, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। आजकल के दौर में जो मारुति ने कंपटीशन दिया नहीं गाड़ियों को, कमाल का काम कर रही है मारुति। गाड़ी के अगर बैक प्रोफाइल की बात करूँ तो यहाँ पर आपको कोई भी पावर विंडो का ऑप्शन नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको मैनुअल एडजस्टेबल पावर विंडो मिलती है इस तरह से। ये आपको लॉक करने का ऑप्शन जरूर मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये इसी तरह से यहाँ पर आपको होल्डर मिल जाते हैं कुछ, यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर दे दिया गया, यहाँ पर स्पीकर के लिए स्पेस है थोड़ा सा अगर आप देखें, और यहीं पर ऐसे कुछ हैंडल्स दिए जाते हैं। यहाँ पर दो आपको फिक्स्ड हैंड रेस्ट मिल जाते हैं। ये कुछ सीटें गाड़ी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जो ओनर है बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, और अब जबकि नई गाड़ी है और मेरा दोस्त ही है तो इस तरह का, अगर हम इसके अंदर आपको लेग स्पेस की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा लेग स्पेस मिल जाता है आपको। मैं बहुत सारी गाड़ी में बैठता हूँ क्योंकि ऑफिस जाता हूँ या फिर दोस्तों की जो गाड़ियाँ रहती हैं बहुत सारी गाड़ियों में चलता हूँ, लेकिन इग्निस में सच में मुझे इतनी छोटी गाड़ी होने के बावजूद भी मुझे इसका स्पेस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, पीछे का जो बैक स्पेस है। यहाँ पर हेड स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो हेड स्पेस भी काफ़ी अच्छा, आराम से 6 फिट का आदमी आराम से बैठ सकता है इसमें। और पीछे चलते हैं गाड़ी के, ये सब यहाँ पर कुछ भी आपको रियर एसी वेंट्स नहीं मिलते हैं बेस वेरियंट में, और यहाँ पर कुछ किस और ऊपर भी अगर आप देखें तो कुछ खास नहीं है, नॉर्मल सी गाड़ी, अच्छी सी गाड़ी है इस बजट में। गाड़ी के अगर मैं पीछे आ जाऊँ तो यहाँ पर आपको कोई भी डीफॉगर नहीं मिलता है, ना ही कोई रियर वाइपर मिलता है, क्योंकि बेस वेरिएंट है तो गाड़ी में डीफॉगर नहीं दिया गया। हालांकि डीफॉगर ये लोग दे सकते थे, बहुत ही बेसिक होता है, ज़्यादातर गाड़ियों में अवेलेबल होता है, पर ये इन लोगों ने यहाँ पर थोड़ी सी कंजूसी कर दी है। स्टॉप लैंप्स दिए गए हैं यहाँ पर ज़रूर। और गाड़ी के मैं टेल लाइट्स की बात करूँ तो इस तरह की कुछ टेल लाइट्स आपको मिल जाती हैं, काफ़ी अच्छी और अट्रैक्टिव टेल लाइट्स हैं, लेकिन ये भी इन लोगों ने हैलोजन में ही दी हैं। यहाँ पर आपको सुजुकी की ब्रांडिंग मिल जाती है, नेक्सा की ब्रांडिंग मिल जाती है, इग्निस की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। अगर मैं आपको रियर पार्किंग सेंसर्स की बात करूँ तो यहाँ पर 4 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, 1, 2, 3 और 1, 4, 4 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। अगर आप देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि LED है या फिर टेल लैंप है, लेकिन ये सिर्फ एक रिफ्लेक्टर है, इसमें इन्होंने लाइट कोई नहीं दी है, ये कंजूसी करी यहाँ पर कंपनी ने, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको देखें तो एक रियर कैमरा मिल जाता है, ये आपको बाहर से लगवाना पड़ता है, बेस वेरियंट में किसी भी तरह का कोई रियर कैमरा नहीं आता है। ये फ्यूल टैंक है गाड़ी का, यहाँ पर फ्यूल टैंक की बात करूँ तो 32 लीटर का फ्यूल टैंक है इसमें, 32 लीटर गाड़ी में तेल आप लोग आराम से भर सकते हैं। मैंने आपको जैसे पहले बताया दोनों पीछे के टायरों में ड्रम ब्रेक्स हैं और आगे के टायर में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। यही अगर मैं आपको इनकी बात करूँ होल्डर्स की तो ये काफ़ी बढ़िया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्रोम देते तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, पर ठीक है, गाड़ी के कलर में भी अच्छा ही लग रहा है। और जैसा मैं पहले बता रहा था, आप लोग बिल्ड क्वालिटी जब से मारुति नेक्सा या फिर इसके साथ इन्होंने जो गाड़ियाँ लॉन्च करना शुरू करी हैं, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी कर दी। पहले की गाड़ी अगर आप देते तो ये पिचकने लगती थी टीम, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी इन लोगों ने यहाँ पर कर दी है। बाइक की बात करूँ ना तो इसकी लेंथ 3770 mm की है और 1692 mm की जो इसकी वो विड्थ है सामने से। तो यहाँ पर अगर इसके इंजन को खोलने की बात करूँ, इंजन ओपनर, तो ये यहाँ पर बटन दिया गया है, इसको खींचने पर खुल जाता है। हाइट यहाँ पर ऑटो एडजस्टेबल नहीं है, मैनुअली आपको ऐसे बटन दबाकर करनी पड़ेगी। स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ तो ये आपको टिल्ट हो सकता है, यहाँ पर नीचे बटन दिया गया जिसे दबाकर आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, हालांकि टेलीस्कोपिक नहीं है, अंदर बाहर नहीं होगा, इतना ही फिक्स्ड रहेगा, लेकिन ज़रूर आप अपने हाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। हेडरेस्ट दिए गए हैं दोनों सीट्स पर आगे की, और ये एडजस्टेबल है पीछे के, फिक्स्ड हेडरेस्ट है, वो आप लोगों को आप लोग नहीं कर पाएंगे, वो फिक्स ही रहेंगे। तो ये से मैं आपको गाड़ी का इंजन के बारे में बताता हूँ, इंजन खोलते हैं गाड़ी का फटाक से आइए। अगर मैं आपके इसके इंजन की बात करूँ तो इसमें आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है, नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, 4 सिलेंडर का इंजन मिल जाता है, जो कि आपको 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है और 82 BHP का जो पावर है वो जनरेट करता है इंजन। काफ़ी अच्छे तरीके का इंजन है, यहाँ पर आपको इंसुलिन देखने को मिल जाता है इंजन, जो कि मैंने आपको जो VXI टाइप जो LXI स्विफ्ट का जो दिखाया था उसमें ये कंपनी ने यहाँ पर कंजूसी कर ली थी, लेकिन इग्निस में इंसुलेशन यहाँ पर दिया गया है। अच्छा खासा इंजन मिल जाता है आपको इस रेंज में, सेगमेंट में बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया इंजन है। कंपनी ने कंजूसी करी क्योंकि बेस वेरियंट है तो यहाँ पर शायद कोई भी इंजन कवर देखने को नहीं मिलता है, खुला हुआ इंजन है, पर कोई नहीं, बेस वेरियंट अगर आप लोग चाहें तो बाहर से लगवा सकते हैं। तो ये गाड़ी का मोटा मोटा वॉक अराउंड
साउंड है। तो अभी मैं आपको एक गाड़ी की छोटी सी टेस्ट ड्राइव करके दिखाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी किस तरह से चल रही है। और अभी क्या मैं एक छोटे से उबड़ खाबड़ वाले भरे रास्ते पर गाड़ी चला रहा हूँ, ताकि मैं देख सकूँ कि गाड़ी में धचके लगते हैं कि नहीं लगते हैं। तो अगर आप देखो तो मैं हल्के से इधर ऑफ रोड भी काट रहा हूँ गाड़ी, अभी मैं बिल्कुल ऑफ रोड चल रहा हूँ। ऑफ रोड दिखाई पर देखो तो बिल्कुल खेत है और बिल्कुल मैं ऑफ रोड चल रहा हूँ इधर। और फिर भी गाड़ी में धचके जो है वो इतने कुछ खास महसूस नहीं हो रहे हैं, और मुझे इस तरह से मतलब इस बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि मैं कहीं ऑफ रोड चल रहा हूँ। हालांकि थोड़े से ऑब्वियसली महसूस होते हैं, क्योंकि आप ऑफ रोड चलते हैं तो चाहे कोई कितना ही बोल रहे हो यार बिल्कुल धचके नहीं लगे, पर ऐसा नहीं है। धचके पता चलते हैं आपको, पर अगर आप पहले इसी लेवल पर अगर आप सेंट्रो चला रहे हो, आज के दौर में ऑल्टो 800 चला रहे हो, तो अभी मैं गाड़ी की स्टेबिलिटी चेक कर रहा हूँ। अगर आप मेरे सामने देखें तो यहाँ पर उबड़ खाबड़ रोड ज़्यादा है, ये देखिए इस तरह से। और अभी मैं क्या करूँगा, गाड़ी थोड़ी सी तेज़ चला के कम करूँगा स्पीड, और घुमाने की भी कोशिश करूँगा अचानक से, मतलब टर्न करूँगा गाड़ी, और फिर हम देखेंगे टायर किस तरह से कंट्रोल। थोड़ी सी स्पीड देता हूँ गाड़ी को, मैंने गाड़ी भी काटी है गाड़ी स्पीड पे, और मुझे इतना मतलब खास कोई फर्क पड़ा नहीं। मुझे गाड़ी ने होता ना कि बाहर की तरफ फेंक रही इधर के लिए फेंक रही, इस तरह से कुछ महसूस नहीं होगा। इसी भाषा में अगर मैं बात करूं तो फाइव रीजंस क्यों लेनी चाहिए गाड़ी। पहला रीजन, बजट फ्रेंडली है। बजट फ्रेंडली है गाड़ी। ऑन रोड दिल्ली में कितने की पड़ रही है? 7 लाख अंडर 7 लाख है ऑन रोड। और बता, और इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छा है, इसका कंफर्टेबल है, और स्विफ्ट वगैरह से काफी हेल्दी बॉडी है इसकी। अच्छा, बढ़िया लगी तेरे को गाड़ी। और लुक्स कोई रीजन था लेने से पहले गाड़ी का? अच्छा था काफी, मुझे प्यारा लगा। और सेकंड थिंग ये है कि छोटी गाड़ी दिल्ली में ज्यादा कंफर्टेबल है, कहीं भी आना जाने इजी। एग्जैक्टली, हाँ ये बहुत सही रीजन दिया यहाँ पर, क्योंकि हम लोग दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में क्या है कि ट्रैफिक का थोड़ा सीन रहता है। जब हम लोग पीक आवर्स में निकलते हैं, इसका तो बिजनेस है खुद का, तो इसका क्या है कभी भी आना जाना रहता है। और पीक आवर्स में दिल्ली में लाइक इन द इवनिंग टॉक अबाउट 5 से लेकर 10 तक वो ट्रैफिक भर जाता है रोड्स पर, क्योंकि मैं तो ज़्यादातर मेट्रो चूज़ करता हूँ ट्रैफिक की वजह से, वरना फंस जाते हैं। और अगर आप मॉर्निंग में बात करें तो 7 से लेकर 11 तक वो पीक आवर्स चलते हैं जिसमें ट्रैफिक में फंस जाते हैं। तो एक छोटी गाड़ी लेने का ये फायदा है कि ट्रैफिक में आसानी हो जाती है निकलने में, तो ये बहुत अच्छा रीज़न बताया इसने। दिल्ली में पार्किंग के बहुत बड़े इशू है भाई, छोटी गाड़ी कहीं भी एडजस्ट कर दो आप, कहीं भी एडजस्ट कर दो। तो पार्किंग यानी भाई स्पेस का जो पंगा रहता है। और मुझे पर्सनली इग्निस बहुत अच्छी लगी, मैंने चलाई अभी गाड़ी, बहुत स्टेबल गाड़ी है, धचके ज़्यादा फील नहीं होते। और अंडर 7 लाख अगर आप देखें तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इग्निस आप लोगों के लिए, जो लोग लेना चाहते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और कोई बात, आपको इग्निस क्यों अच्छी लगती है क्यों नहीं अच्छी लगती है, मोस्ट वेलकम है आपके कॉमेंट्स जी। हमें तो क्योंकि हमारे गाड़ी हमने वीडियो बनानी थी, आप लोगों को दिखानी थी, बाकी आपको लेना है नहीं लेना वो आपका पर्सनल ओपिनियन होगा गाड़ी को लेकर। आपको कैसी लगती है इग्निस ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। सो आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस मच टाइम, आई रियली अप्रिशिएट इट दैट यू केम ऑन माय चैनल एंड वॉच दिस वीडियो एंटायरली। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द टाइम दैट यू गिवन मी।